हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। हम लोगों का म्यूजिक थ्योरी सीरीज जो चल रहा है, जहां पे हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी के साथ साथ इंडियन म्यूजिक थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं व्हाट इज स्केल्स, मेजर स्केल क्या होता है, माइनर स्केल क्या होता है, की सिग्नेचर्स क्या होते हैं। वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट मोड्स, और इसके साथ बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मेलोडी कैसे डिजाइन करना है, हाउ आई कैन राइट मेलोडीज। उसके लिए स्केल जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर आई स्टार्ट, माय अजम्पशन इज कि मेरे पहले के जो म्यूजिक थ्योरी एपिसोड्स हैं वो आप देखे होंगे, जहां पे हम लोगों ने हाफ स्टेप, होल स्टेप के बारे में डिस्कस करा है, नोट्स के बारे में डिस्कस करा है और रिदम्स के बारे में डिस्कस करा है। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका सब लिंक आपको मिल जाएगा। सो मैं सजेस्ट करूंगा वो आप पहले। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केल होता क्या है। मे बी मोस्ट ऑफ अस नोज द डेफिनेशन, which is obviously correct, कि scale is a collection of notes, generally 7 notes, जो एक सप्तक या फिर octave को form करता है। But मुझे ये theory की perspective से discuss करना नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से आप scale का जो सही application है वो आप जानेंगे नहीं। तो जब ही human evolution हो रहा था, तब पहले जो need है, जो ज़रूरत है, उसको fulfill किया जाता था। बाद में वो जो invention है और वो जो तरकीबें हैं उसको एनालिसिस करके हम लोग उसको थ्योरी डिज़ाइन करते हैं। मतलब जो एप्लीकेशन है वो पहले आता है और उसके थ्रू हम थ्योरी समझते हैं, ताकि हमको समझने में आसानी हो। गाना कंपोज करना ये एक ज़रूरत है, देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ थ्रू म्यूजिकल कंपोजिशंस। ये बहुत पहले से ह्यूमन हिस्ट्री में हो रहा है, जहाँ पे वी आर कंपोजिंग ट्यून्स टू एक्सप्रेस सम इमोशंस। वो इमोशन जो है वो हैप्पी इमोशन हो सकता है, That can be a sad emotion, जहाँ पे हो सकता है कि anger हो, fear हो। ये सारे जो basic emotions हैं, इसी को express करने के लिए हम लोगों को compose करने की ज़रूरत हमेशा से पड़ती। अभी ये जो compositions बन रहे थे, ये अगर लेके आप analysis करेंगे तो आपको पता चलेगा जो happy compositions हैं, जो happy tunes हैं, उसका जो notes की जो frequencies हैं, they have a particular pattern, उसको बोला जाता है major scale। अभी obviously there are exceptions कि sad songs भी major scale में हो सकते हैं, happy songs can be also in minor scales, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप कोई भी happy song उठाते हैं, उसका notes relationship आप देखते हैं, तो it will be a major scale। और अगर आप कोई sad song उठाते हैं, तो उसका notes relationship अगर आप देखेंगे, so it's going to be a natural minor or harmonic minor scale। बाद में जब जैसे जैसे हम develop करते गए अपने tools, नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम डेवलप करते गए, तब ये सब विजुअलाइज करना हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। इवन वी हैव द डॉज, वी डोंट नीड अ गिटार कीबोर्ड टू लर्न द म्यूजिक थ्योरी। इफ यू हैव अ डॉ दैट इज एनफ। तो यहाँ पे देखिए, गिटार भी हैं और कीबोर्ड्स भी हैं। तो इसके बाद ये जो मेजर स्केल का फॉर्मूला है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सी मेजर का जो मेजर स्केल है वो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो आप देखना कि एक साथ गिटार और पियानो दोनों का जो कीज है यहां पे हाईलाइट होगा, तो आप ध्यान रखना कि दिस इज द सी, देन डी, सा रे, ई गा, एफ मा, जी पा, ए धा, बी नी, सी सा। अभी ये वाला जो नोट्स का रिलेशनशिप है, उसको अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो वही वाला पैटर्न यूज करके आप कोई भी मेजर स्केल डिफाइन कर सकते हैं। होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। अभी ये जो फॉर्मूला है, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, इसको आप कहीं से भी प्ले करो कीबोर्ड में, ये हमेशा आपको मेजर स्केल देगा। मान लीजिए मैं डी शार्प में इसको प्ले करता हूँ, सो दिस इज द डी शार्प। अभी देखिए होल स्टेप जा रहा है, एक छोड़ के दूसरा, होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, गा से लेके मा, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप। ऐसे अगर मैं सी शार्प से प्ले करना चाहूं, कोई भी जगह से आप बजा लीजिए, ये हमेशा हमेशा आपका मेजर स्केल ही होगा।
गिटार में भी यही जो डिफरेंट स्केल्स होते हैं वो हम डिफरेंट फ्रेट में उसको पकड़ के हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे यही वाला चीज अगर मैं पियानो में पियानो रोल में डिफाइन करने की कोशिश करूं, ये है मेरा होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, पहले होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप। तो इसको अगर मैं प्ले करूं, अभी ये जो है ये एक रिलेशनशिप है जिसको मेजर स्केल बोला जाता है। तो अभी इसको पकड़ के मैं कहीं भी दे दूं ये मेजर स्केल ही रहेगा। चलिए एफ शार्प से दे देते हैं। अभी यही वाला चीज अगर आपको नोटेशन में करना है, यहां पे करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं ये प्ले करता हूं, सेम चीज यहां पे बजेगा। लेकिन यहां पे जैसे मैं स्केल शिफ्ट कर रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे पकड़ के मैंने कर दिया, यहां पे मैंने पकड़ के कर दिया, तो वो नहीं होगा यहां पे। क्यों नहीं होगा? ये जो नोट्स हैं यहाँ पे, ये जो लाइंस हैं और ये जो बीच के जो ब्लैंक्स हैं जो एक एक नोट्स को रिप्रेजेंट करता है, दिस आर ओनली रिप्रेजेंटिंग द वाइट नोट्स। तो सी मेजर जहाँ पे कोई भी फ्लैट या शार्प नहीं है तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर हम डी बजाते हैं, डी में देखिए ये एक शार्प आ गया, ये एक शार्प आ गया, तो ये जो दो शार्प है ये हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा पहले, तो हम जाके ये जो मेलोडी लिखेंगे तो ये यहाँ पे अगर ऊपर लेके जाएंगे डी से शुरू करेंगे तब जाके ये डी मेजर बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट जो स्केल्स डिफरेंट की से हम शुरू कर सकते हैं, इसको बोला जाता है की सिग्नेचर्स। यहाँ पे आप देखिए की सिग्नेचर का टैब बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए जैसे कि डी है, डी में क्या होता है, दो शार्प होता है। वैसे ही अगर आप जी में जाते हैं, जी में सिर्फ एक शार्प होता है। तो मुझे पता चल जा रहा है कि यहाँ पे जो वन शार्प है तो ये जी मेजर है। वैसे ही अगर मैं दो शार्प में जाता हूं तो ये डी होगा। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया कि ये देखिए जो नोट्स के नाम मैंने पहले बोला था, अगर आपने देखा नहीं है जरूर देख लीजिए, एफ एस सी कैप का जो नोट्स हैं, एफ एस सी, सी के पहले एक शार्प है, मतलब जब भी मैं सी प्ले करूंगा वो सी शार्प बनेगा, राइट? तो ये सी शार्प हो गया यहाँ पे, दिस इज द सी शार्प। जो नी है यहाँ पे, एवरी गुड बॉय डज फाइन, मतलब एफ है ये और एफ शार्प है ये, मतलब ये वाला नोट। डी मेजर में सिर्फ यही दो शार्प्स आते हैं। वापस मैं प्ले करता हूं, सी शार्प, एफ शार्प। तो ये जो चीज होता है, ये डिफाइन करने की जो मेथड है वो होता है की सिग्नेचर्स। अभी ये जो डिफरेंट नंबर ऑफ शार्प्स हैं और फ्लैट्स हैं, इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है सर्किल ऑफ फिफ्थ्स, जो लेके हम आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ये सारे जो है ना ये चीज़ आप बिल्कुल मेमोराइज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जनरली हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके पास अगर कीबोर्ड है, सारे के सारे जो स्केल्स हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए और सीखिए। अभी ये तो हो गया मेजर स्केल, अभी माइनर स्केल भी एक चीज़ होता है। अगर आप कोई भी जो सैड सॉन्ग्स हैं उसको लेके अगर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो नोट्स हैं उसके जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे है तो साथ ही नोट, लेकिन उसके जो नोट्स हैं वो थोड़ा डिफरेंटली अरेंज्ड है। तो अभी देखिए माइनर स्केल कैसे मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। माइनर स्केल का जो फॉर्मूला है, पहले जो सा ए माइनर स्केल बताते हैं, अभी देखिए दिस इज रे होल स्टेप, फिर गा जो है दैट इज हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप, फिर होल स्टेप, ये मेरा हो गया ए माइनर स्केल। तो क्या फॉर्मूला क्या आया आपका? पहले होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, ये माइनर स्केल का फॉर्मूला है। ये आप कहीं से भी प्ले करिए, ये हमेशा माइनर स्केल ही होगा। जैसे कि देखिए है ना, तो ये वाला अगर मैं कहीं से भी शुरू करूं, मान लीजिए आप एफ शार्प से शुरू करते हैं, दैट इज एफ शार्प माइनर,
अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो सी के नोट्स हैं, जो सी मेजर के जो नोट्स हैं, अगर मैं ए माइनर प्ले करता हूँ, देखिए आप वही सारे नोट्स लगते हैं। सारे व्हाइट नोट्स। तो ये जो सी मेजर है और ए माइनर है, ये दोनों के दोनों जो है सेम नोट्स शेयर करते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप होता है जिसको रिलेटिव माइनर बोला जाता है। जो सी मेजर का नोट्स हैं वही ए माइनर के भी नोट्स हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे जाते हैं नोटेशन में, अगर कोई भी फ्लैट्स या शार्प नहीं है, ऐसा अगर पोजीशन में मैं जाता हूँ जो कि है ये वाला, आप देखिए सी मेजर है, ए माइनर है, मतलब सेम की सिग्नेचर है दोनों का। फिर यहाँ पे आ जाइए तो जी जो है, जी शार्प जो है सिर्फ वन शार्प रहता है यहाँ पे, ये देखिए। तो जो कि है एफ शार्प। ये वाला एक्चुअली ई माइनर के भी रिप्रेजेंट करता है। ई से अगर मैं शुरू करूं फिर जी का स्केल बजाऊं तो ये दैट विल बी ई माइनर। यही वाला चीज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि आपको, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे लाके मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए F जो मेरा नोट है, F के पहले एक शार्प दिया हुआ है, मतलब जितने सारे F के नोट्स हैं दैट विल बी प्लेड F शार्प। E से शुरू करके बजाऊं तो इट विल बी E माइनर। तो चलिए एक बार ट्रेस्ट करते हैं। ये जो F नोट है, ये नीचे का जो F नोट है उसको भी डिनोट करता है, जैसे कि F, ये जो गैप है पहला वाला, ये भी F नोट है, तो ये भी ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज हो जाता है टू F शार्प। ओके, अभी यहाँ पे और एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है, जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स हैं, तो मुझे पता है कि होल स्टेप हाफ स्टेप अगर मैं करता हूं तो ये मेरा मेजर स्केल रहेगा। अगर मैं इसका गा धा नी कोमल कर दूं तो ये मेरा माइनर स्केल रहेगा। अभी ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा भी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट, दैट कैन एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस, तो वो भी है जिसको हम मोड्स बोलते हैं। वैसे जो मेजर स्केल है ये भी एक मोड है जो है आयोनियन मोड, और माइनर स्केल जो है ये भी एक मोड है जिसको बोलते हैं एवलियन मोड। अभी इसको छोड़ के भी और भी मोड्स हैं। ये जो मेरा मेजर है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ मा जो है इसको अगर मैं तीव्र मा कर दूं, या फिर जो मेरा फोर्थ नोट है उसको अगर मैं शार्प कर दूं, तो दैट विल बी अ लीडियन स्केल, सी लीडियन स्केल। जिसको कल्याण ठाट भी इंडियन म्यूजिक में आप बोल सकते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं जो यमन राग यमन में बस बेस्ड किया हुआ है। अभी अगर यहां पे आप मा को छोड़ के नी को कोमल कर देते हैं, या फिर सेवेंथ नोट जो है उसको फ्लैट कर देते हैं, दैट विल बी अ मिक्सोलिडियन मोड। इंडियन म्यूजिक में आप इसको खमाज ठाट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मल्हार जो राग है इसी ठाट में बेस किया हुआ है। ऐसे और भी कई सारे स्केल्स हैं, कई सारे मोड्स हैं, कई सारे रागाज हैं, तो इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एफएल स्टूडियो, स्टूडियो वन म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल, इसके साथ म्यूजिक थ्योरी, म्यूजिकल गियर्स के बारे में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ये चैनल पे अपलोड होता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।